तो भाई आपको भी यही लगता है क्या, हिस्ट्री इज़ अ बोरिंग सब्जेक्ट? भाई ये जो ट्रेंडिंग लगा हुआ, देखो मैथ्स को बोरिंग मानते हैं लोग, लेकिन मैथ्स को दिलाते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जामिनेशन में, हर जगह क्लास में। आप कहीं भी चले जाओ, मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन सबसे ज़्यादा बदनाम होता है हिस्ट्री के टीचर, मतलब आपको नींद वाले, सुलाने वाले, आलस, बोरिंग, मतलब इतना घटिया सब्जेक्ट बना के रखा है इतिहास को। तो क्या सही बात है ये? देखो भाई मैं बता रहा हूँ, ठीक, इतिहास बोरिंग है, बिल्कुल भर भर के बोरिंग है, आपको नींद आ जाएगा, आप नहीं पढ़ पाओगे, आपको कोई लेकिन बात वही है कि आपको इंटरेस्ट किस बात में है। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं इतिहास वाला रिलेटेड वीडियो क्यों बनाता हूँ, मेरे चैनल कोई प्रोफेसर इतिहास वाला नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से प्रेरणा लेके यहाँ पे हम बना रहे हैं स्वराज जद्वाज नाम से चैनल, ठीक है। बात ये थी कि कोई चैनल सोच के नहीं रखा था मैंने, बस उनके जो है प्रेरणा से मैंने इस नाम को रख दिया, बाकी मैं अपना नाम रख सकता था चैनल में, क्योंकि मैं कोई हिस्ट्री एकदम इफेक्टिव जो वीडियो नहीं डालता, मैं मूवीज़ वगैरह का भी वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें समाज के लिए अच्छी है, जो हमें सीख देती है, उसके बारे में वीडियो बना देता हूँ, जो भी मेरे को समझ में आता है। तो क्या इतिहास सच में जो है कोई बोरिंग सब्जेक्ट है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपके इंटरेस्ट के ऊपर। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं इतिहास से कैसे कनेक्ट कर पाता हूँ, इतिहास में हम पढ़ते हैं ना अपने राजाओं के बारे में, सबसे पहली बात तो ये कि हम बहुत कम ही पढ़ते हैं अपने राजाओं को, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये गुप्त वंश, मौर्य वंश, राजा हर्षवर्धन, और यही सब पढ़ते हैं। बाकी तो आपको जो है आप बड़े बड़े साम्राज्य जो छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, मेवाड़ का जो है साम्राज्य था, उनका जो है ये सभी को हम कट कर देते हैं, मुगल साम्राज्य, ठीक है। मुगल साम्राज्य मुझे इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि देखो भाई मैं जोधा अकबर का टीवी सीरियल है उसको देखता था, जोधा अकबर मूवी आई थी उसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, मैं ऋतिक रोशन कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होता था, सब बच सकते हैं आप, मैं अकबर का भर भर का विरोध करता हूँ, मैं उस कैरेक्टर से इंस्पायर था, जीवो शान शहजा जब सॉन्ग चलता था तो रोंगटे खड़े हो जाते थे भाई, मतलब हमें प्राउड होता था कि सच में अकबर को इतना सेक्युलर दिखाया जा रहा है, इतना महान आदमी, भाई मैं उसका फ़ैन हो रखा था लिटरली, मैं भाई बता रहा हूँ। और जो है सातवीं आठवीं के हम लोग के एनसीईआरटी के बुक्स में आते थे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, ये सब चीज़, हालांकि उसको तोड़ने के लिए वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं जाके कि सच्चाई क्या, उन लोगों को मुगल थे ही नहीं वो लोग तो। और इसके जो है बात यही है कि अकबर के बारे में इतने सारे महिमा मंडन पुस्तकों में दे रखा, टीवी सीरियल्स बना रहे हैं, जो देख रहा था मैं कि महाराणा प्रताप जो हल्दीघाटी के युद्ध में हार गए, बस इतना लिखा, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज तो 80 में मृत्यु हो जाती, केवल एक लाइन पढ़ा था मैंने एनसीईआरटी 12वीं के इतिहास की किताब में, मैं बता रहा हूँ। बाकी मुगल साम्राज्य का भर भर के महिमा मंडन वर्णन किया जा रहा है, वही हमारे इतिहास के नाम पे चंद्रगुप्त मौर्य, थोड़ा गुप्त वंश, हल्का फुल्का, ये सब पृथ्वीराज चौहान 1192 तराइन द्वितीय युद्ध में पराजित हो गए, अंतिम हिंदू सम्राट, ये भर भर के लिख दिया जाता है, बस बात खत्म। लेकिन इसके बाद क्या, कुछ नहीं। तो भाई आपको इतिहास में इंटरेस्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि आपको इतिहास का वो जो पॉइंट है, आपको गौरव करने वाली कौन सी चीज़ पढ़ाई जाती है आप मेरे को बताएंगे? सनातनी हो हिंदुत्व को मानते हो, हिंदू धर्म का पालन करते हो, आपके लिए कौन सी चीज़ है इतिहास के पुस्तक में जो एनसीईआरटी लिख के आपको पढ़ाते हैं, उसमें कौन सी गर्व करने वाली बात है? क्या एमके गांधी है, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू है, कहाँ पे है भगत सिंह की एक लाइन बस है उसमें, उसमें क्या होने वाला है, वीर सावरकर, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन सब का कहाँ इतिहास है? छत्रसाल बुंदेला, पेशवा बाजीराव, इन सब का कहाँ इतिहास है बताइए? गुरु गोविंद सिंह जी कहाँ हैं? तो आपको गौरव करने वाला कोई एक भी टॉपिक ही नहीं है, तो आपको इतिहास से कनेक्शन कहाँ से हो पाएगा भाई? कि आपको पता है कि धर्मवीर कौन थे, कि आपको पता है कि छत्रसाल बुंदेला ने क्या किया था, कि आपको पता है कि पेशवा बाजीराव, बाजीराव मस्तानी से बिल्कुल विपरीत कैरेक्टर थे, कि आपको इन सब के ऊपर पता है? तो आपको अपने इतिहास के जो गौरवशाली पात्र उनके बारे में पता ही नहीं, तो आपको घंटा इतिहास समझ में आएगा? घंटा बोरिंग नहीं लगेगा आपको इतिहास? तो बात यही है, देखो इतिहास से मैं कनेक्ट इस प्रकार से करता हूँ, देखो इतिहास जाता है पीछे समझ में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं महाभारत और रामायण दोनों को इतिहास मानता हूँ, ठीक है, दोनों को मैं इतिहास मानता हूँ, ये कोई माइथोलॉजी मिथक नहीं है, ये कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है, ये इतिहास है हमारा, इसके प्रमाण महाभारत में मिलते हैं, इसके साक्ष्य आपको खोद खोद के निकाल लीजिए पूरे भारत के भूमि कण कण में मिलते हैं। इसी प्रकार से जो है इससे मैं कनेक्ट कर, देखो समय पीछे जाते जाते हैं, आप महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, पेशवा बाजीराव है, आप पीछे जाते जाएंगे हर्षवर्धन है, ललितादित्य मुक्त पीड़ा है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, गुप्त साम्राज्य आता है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के हमारे जो है वो स्थापना करते हैं मौर्य साम्राज्य की, चाणक्य, मतलब इस प्रकार से आप पीछे जाते जाते हैं तो टाइम इस प्रकार से बढ़ता है। उसके बाद ईसा पूर्व शताब्दी में जाते हैं तो आप गौतम बुद्ध आते हैं, स्वामी महावीर आते हैं, इस प्रकार से राजाओं की जो श्रृंखला लगी रहती है। तो इसी में पीछे जाते जाते हम बीसी में जाते हैं, कोई बोलता है 6000 BC, कोई बोलता है 5000 BC श्री राम आए थे, कोई बोलता है 3002 BC में जो है महाभारत का अंत होता है, मतलब कलयुग का आरंभ होता है, इस प्रकार से बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट कर पाते हैं ना भाई, क्योंकि वो इतिहास है, वो लोग कैसे रहते थे, मेरे को इस बात में इंटरेस्ट आता था कि राजा महाराजा वाले जो है शैली, वो किस प्रकार से उठते बैठते थे, वो कैसे रहते थे, वो उस समय के, जब देखिए बात ये आती है ना कि स्वर्णिम काल भारत का कब कहा जाता है, गुप्त काल को, ठीक है, सो कॉल्ड गुप्त काल जो है हमारा, स्वर्णिम भारत का जो है
स्वर्ण काल कहा जाता है, अर्थात सोने की चिड़िया भारत उसी समय एकदम पीक पे थी। ठीक है, जीडीपी जो है आपका फुल आपका शेयर रखता था, 40-50% का आपका जीडीपी का शेयर रखता था पूरे वर्ल्ड में भारत। तो यही बात है। तो इस चीज़ से हमें जो मतलब मेरे को तो देखना है एक बार जाके कि जो वैदिक काल में नालंदा विश्वविद्यालय चलता रहा होगा, तक्षशिला होगा, विक्रमशिला होगा, इतने बड़े बड़े काशी विश्वनाथ के प्रथम मंदिर उसको तोड़ दिया गया, सोमनाथ को 18-18 बार तोड़ दिया गया। मेरे को सोचिए आप वो दिव्यता किस प्रकार से होगी। वही सोचता हूँ मैं कि संस्कृत पाठशाला जहाँ पे 85-85 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे भाई, आपको शारीरिक से मानसिक से भौतिकी हर प्रकार का ज्ञान विज्ञान आपको पढ़ाया जाता था। वही सोचता हूँ कि किस प्रकार से भारतीय संस्कृति इस भारतीय परंपरा रहेगी। इसका फैक्ट आपको बताता हूँ मैं कि 1835 में जब इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लगाया था ना इन लोगों ने, विलियम बेंटिक ने, मैकॉले की घड़िया शिक्षा पद्धति आपकी जो हमारे ऊपर थोपी जाती है, तो इस समय की बात यही है ना कि वहाँ पे जब इन लोगों ने सर्वे कराया था ना तो आपका जो है 99% साक्षरता दर था उत्तर भारत में और 100% साक्षरता दर था आपके दक्षिण भारत में, और महिलाओं का साक्षरता दर तो 99% था भाई। सोच सकते 99% मतलब महिलाओं को कोई अशिक्षित नहीं रखा जाता यहाँ पे। नारी जो है परम शक्ति के रूप में सनातन धर्म में, भारतीय प्राचीन सनातन धर्म में जो है मानी जाती रही है। और ये विधवा विवाह ये जो शुरू करवाया राम मोहन राय ने, बोलते हैं कि सती प्रथा बंद कराई इन लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर अंग्रेजों ने मिलकर, ये सब घटिया चीज़ें भाई। विवाह भी पहले लड़कियों के इसलिए हो जाते थे क्योंकि उनके पतियों को जो है मृत्यु का खतरा होता था, उनके वंशजों को जैसे कि राजा महाराजा के जो है विदेशी आक्रांत आए थे तो उनको जल्दी विवाह करना पड़ता था ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो है वंश बचा रहे, क्योंकि ये लोग छल कपट से उनको मार ही देते थे। इसी प्रकार से जो है उन लोग का विवाह जल्दी करा देते थे ताकि जो है स्त्री का जो है चरित्र हरण ना करके विदेशी लोग ना ले जाए, इसलिए उनको जो है पहले से जो है पुरुष वधु पक्ष जो है वर पक्ष को सौंप देते थे कि बचपन से इसका ध्यान रखिए, आपके बेटी की तरह रखिए, बाद में इनको जब मैच्योर होंगे तो इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि रिश्तेदारी किस प्रकार से काम करती है, परंपरा क्या होती है। इसी प्रकार से जो है पुराने समय जल्दी विवाह कर देते थे। क्या है हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या होता है, क्यों ऐसा था कि जो है लाखों वीरों ने अपने आप को कटवा दिया लेकिन उन्होंने कन्वर्ट नहीं हुआ, वो जो है अपने धर्म को नहीं त्यागे, भले अपने प्राण त्याग दिए, इतनी पीड़ा सहे, तो इसका महत्व तो आपको पता तो होना चाहिए भाई कि हीरे की वैल्यू क्या है सोने के आगे, तब तो आपको हीरा समझ में आएगा ना हीरा क्या है, वरना फिर तो आप उसको डायमंड कोयले का टुकड़ा मान के फेंक दोगे भाई। तो यही बात है, आपको समझ में भी तो आना चाहिए सनातन धर्म का महत्व क्या है, उसका मूल सिद्धांत क्या है, वैदिक धर्म क्या कहता है, पुराणों की रचना क्या कहती है, सिंबोलिज्म कहानियाँ क्या कहती है, महाभारत रामायण क्या शिक्षा देती है, आपको समझ में आएगा तब तो ना आप टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हो, आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, आप घटिया घटिया लोगों से इतिहास सुन रहे हो जो कि मैनिपुलेट कर करके आपको फैक्ट बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको घंटा समझ में आएगा, अपने देश से घृणा करने लगोगे ना। और राष्ट्रवाद का मतलब क्या लोग समझते हैं, फांसीवाद, मतलब अगर मोदी की तारीफ करो तो आप जो है अंधभक्त हो, अगर आप किसी कांग्रेस की तारीफ ना करो तो आप जो है बिल्कुल लिबरांडू हो, आप जो है चाटुकार, मतलब भाई जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है उसको गलत बोलो, केजरीवाल सही तो सही है, गलत है तो गलत है। इस प्रकार से राजनीति तो हमें ऐसे दूर ही रहेंगे, लेकिन बात वही है कि सच्चाई को बोलने की क्षमता रखो तभी तो आप सनातनी हो ना। आपका धर्म आपको क्या सिखाता है, ये तो सिखाता है ना जो है उसको बोलो और सत्य का साथ दो, भले आपको जो छोड़ना पड़े देखना पड़े वो करो, वही बात है। तो इसीलिए तो हमारे वीर पुरुष महानतम क्रांतिकारी बलिदानियों ने अपने आप को निछावर कर दिया केवल एक धर्म का मूल रखने के लिए, मान रखने के लिए, और हम छोड़ने जहाँ हम जो है मॉडर्न सो कॉल्ड समझ के पूजा पाठ छोड़ते हैं, अपने धर्म से नफरत करने लगते हैं। अब हम लोग को लिबरलाइजेशन चाहिए, हमें हमको घर का त्याग करना है, हमें सो कॉल्ड फ्रीडम के नाम पे हमें क्या करना है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स बनाने हैं। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं पेलने वाला बिल्कुल भाई, बाकी भाई हो यही रहा सिचुएशनशिप में, आप देख सकते हैं सिचुएशन जो चल रहा है ना, यही तो सब है मॉडर्न कल्चर आपका सो कॉल्ड लिव इन चल रहा है, और यही सब आपको जो है सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जेंडर आइडेंटिटी जो है आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको जेंडर चेंज कराने के लिए जो है लोग प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दे रहे हैं, एलन मस्क का बेटा उसका शिकार हो चुका है। तो भाई इतिहास का कनेक्शन ना बहुत गहरी जड़ें होती हैं, इतिहास की बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है आपको कि इतिहास में क्या हुआ था, आखिर 2 साल पहले जो हुआ वो भी तो इतिहास में आता है ना। और मैं ये सोचता हूँ इतिहास घंटा मत पढ़ो लेकिन अपने देश के बारे में तो जानो।